हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारती इंफ्राटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो, अभी जो रीसेंट एक्टिविटी हुआ है, आप देखिए इसके चार्ट में कि स्टॉक जो है 96% अप, और उसके बाद फिर से डाउन, फिर अप होने का कोशिश किया था। और अभी रिसेंटली देखिए स्टॉक अपने हाई से अराउंड 17% डाउन है, और यहाँ पे भी आज 4-5% डाउन है। तो अभी ट्रेंड जो है पूरा कंसोलिडेशन के मूड में है, और उसके बीच में जो एक्टिविटी हो रहा है, तो इससे हमें ये इंडिकेशन तो मिल जाता है कि हमें ट्रेंड को जो है इसका, उसके एंड टू एंड में अगर हम रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। अगर हमें इसको कंसोलिडेशन की तरह देखना है और उस रेंज को प्ले करना है, तो हमें एंड टू एंड रहेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ट्रेंड इस तरीके से, राइट। यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स दिखेंगे। मैं हर एक को एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। सो, यहाँ पे देखिए, आपको अगर बेटर रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो आप यहाँ पे आइए 178 नीचे के तरफ, यहाँ 189 से 178 के बीच में यहाँ पे आपको मिलेगा आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड, और ऊपर 235 से 243। क्यों? क्योंकि ये जो है ये एंड है, इस ये ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ ये दोनों बड़े सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे आता है, तो आप इमीडिएट स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या ऊपर जाता है यहाँ पे इस रेंज के बीच में, तो यहाँ पे आप इमीडिएट स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा उनको 16-17% का यहाँ पे मिल गया, राइट। अब देखिए कि करेंट जो है उसके हिसाब से आपका जो सपोर्ट है वो 196 के आसपास है, 196 के नीचे 189 के नीचे 183, फिर से 178, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस या टारगेट बोलिए, आपका पहला जो है 205 है, 205 के ऊपर है नेक्स्ट 216 के ऊपर आपको मिलेगा 229, देन 235 एंड 243, ये आपको ऊपर के लेवल्स आपको दिखेंगे। सो, आपको हर एक जो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसका इम्पोर्टेंस तो है ही, बात ये है कि आपको हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ के, और क्योंकि यहाँ पे डे इन डे आउट हो रहा है कि वोलेटिलिटी रोज़ कभी ज़्यादा रहती है कभी कम रहती है, बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, तो उसको समझ के आप ट्रेंड को प्ले करना है। दूसरी बात कि यहाँ पे मैं जैसे ही शुरू में बोला कि आप ऊपर जब अपने एक्सट्रीम एंड पे रहता है या नीचे रहता है तब आप पोजीशन लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। कैसे? अगर आप मान लीजिए आप बायस ऊपर की तरफ बायस्ड है कि नहीं ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे अगर लेंगे, आप या तो इस लेवल पे लीजिए इसके लोअर एंड पे, ताकि आपको इसका रेंज के अंदर बेटर कंसोलिडेशन, क्या बेटर आपको पूरा मार्जिन मिले नीचे से ऊपर तक, या तो फिर 243 के ऊपर जब सस्टेन होगा तब नया ट्रेंड शुरू होगा, ये ब्रेकआउट के बाद लीजिए। वैसे ही आपको अगर नीचे की तरफ लगता है तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी कब है, ये 235 से 243, या तो फिर ये जब 178 का रेंज ब्रेक हो जाए, यहाँ पे एंड टू एंड जाइए, ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है। लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मूव्स है, बहुत शार्प रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपका रिस्क कितना है, तो रिस्क समझ के जो करना है कीजिए। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।